टूडे विल डिस्कस ऑन द एलिंग प्लैनेट रिटर्न बाय नानी पालकी वाला द एलिंग प्लैनेट टाइटल सजेस्ट वट द प्लैनेट दैट इज सिख तो विच प्लैनेट इन दिस गलेक्सी इज अ सिख दिज डेस कौन सा प्लैनेट है जो आज कल बीमार चल रहा है तो ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ हमारी अर्थ की बात हो रही है ईशो स्टोरी है इसमें से इस बार हमने वैल्यू पॉइंट्स निकाले हैं एंड दिस इज प्रैक्टिस ऑफ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए ऑल्सो जिसमें हम पहले भी कर चुके हैं नोट मेकिंग टुडे विल लर्न हाउ टू रिवाइज और हाउ टू रीड अ स्टोरी एंड मेक इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक इम्पोर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स फ्रॉम इट कि एक स्टोरी लम फोर फाइव पेजेस की स्टोरी है ये जिसमें से दिस इज़ नॉट बेसिकली अ स्टोरी इट इज़ एन आर्टिकल एक आर्टिकल है और उसमें से हमने उसके सारे नोट्स निकाले हैं मीन्स वैल्यू पॉइंट्स निकाले हैं तो ये साथ साथ हमारा द एलिंग प्लानट भी डिस्कस हो जाएगा और जो सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन ए का है नोट मेकिंग का वो भी करेंगे फॉर्मेट सारा नोट मेकिंग वाला ही है तो फर्स्ट इन द फर्स्ट पेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ था इसमें स्टोरी में होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू लिया गया है इस पूरे ग्लोब का पूरे ग्लोब का इक होलिस्टिक मीन्स फ्रॉम एवरी एंगल इकोलॉजिकल व्यू लिया गया और आज इन दीज डेज वर्ल्ड वाइल्ड कॉन्शियसनेस है एक कि वाई दिस अर्थ इज़ बिकमिंग सिख बीमार क्यों हो रही है और एक कॉन्शियसनेस अवेयर हो गई है लोग अवेयर हो गए हैं अबाउट द सिकनिंग ऑफ द अर्थ अर्थ के बीमार होने पर और इट इज़ अ न्यू फिनोमिना एक नया फिनोमिना लोगों के मन में आया है साइंटिस्ट के मन में आया है कि अर्थ इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दिखने में तो हमें नॉन लिविंग दिखता बट इट नर्चर्स लाइफ सारी लाइफ इसी अर्थ पर ही तो पॉसिबल है और किसी प्लानट पर लाइफ नहीं है अर्थ पर लाइफ है तो इट मीन्स दिस प्लैनट द अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि इट्स हेल्थ इज डिक्लाइनिंग ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ है एक ओनली प्लानट इन द गलेक्सी वेयर लाइफ इज पॉसिबल उसकी खुद की हेल्थ खराब हो रही है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सारी ग्लोबल लाइफ को सपोर्ट कर रहा है उसकी ही हेल्थ अगर ख़राब हो जाए हमारे घर का जो सबसे बड़ा हेड है रूट है वो ही अगर बीमार हो जाए हाउ कैन ही और शी टेक केयर ऑफ अदर्स वो बाकियों की कैसे केयर कर सकता और फिर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली सभी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमारा जो हेड ऑफ़ द फैमिली है जो हमारी रूट है उसका उसकी हेल्थ को हम ध्यान में रखें उसका हम ध्यान करें फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इसकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है हाउ कैन वी इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ आवर अर्थ उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अगर हम जो डेवलपमेंट तो करनी है हमने वी कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोग्रेस वी कैन नॉट स्टॉप दिस डिवेलपमेंट वो तो होनी है पर वो डिवेलपमेंट सस्टेनेबल हो अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है फिर नेक्स्ट पॉइंट उसी में से निकल आया ना टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट कि आज प्रेजेंट हमारी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ये मैंने एब्रीविएशन बनाई है इसकी की एंड में है कॉम्प्रोमाइजिंग विद फ्यूचर नीड्स कि हम अपनी नीड्स को पूरा करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें मीन्स हम ऐसा ना करें कि हम सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लें और फ्यूचर के लिए कुछ ना बचे अब इसीलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट यही बन गया ना विदाउट स्ट्रिपिंग नेचुरल रिसोर्सेज हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है उनको स्ट्रिपिंग नहीं करनी खाली नहीं कर देना होंगे मीन्स उनको साथ साथ सस्टेन करके रखना है आ, आने वाले टाइम के लिए सेव करके रखना है इसकी सिंपल एग्जांपल सपोज हमारे पास हंड्रेड रुपीज़ हैं हम सारे क्या एक दिन में खर्च लेंगे हम सोचेंगे ना कल के लिए कुछ सेव कर लें तब तक के लिए तो एटलीस्ट सेव कर लें जब अनदर हंड्रेड हमारे पास नहीं आ जाते तो इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे लिए उतने ही वैल्यूएबल हैं उनको हमने यूज़ करना है वो ज़रूरत है हमारी लेकिन उनको फ्यूचर के लिए सस्टेन करके भी रखना है बचा के भी रखना है प्रिजर्व करके भी रखना है फिर आगे क्या है कि रीज़न क्या है इसके पीछे ये जो इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि जैसे स्ट्राइपिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ़ द अर्थ इसकी क्या रीज़न क्या है बेसिक द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल कि वर्ल्ड का एक बहुत डेंजरस एनिमल है जो इन सबके पीछे इन सबके पीछे एक बेसिक फैक्टर है एक रीज़न है ये हमें कहाँ से पता चला जाम्बिया कंट्री में लुसाका सिटी में एक जू है और उस जू में एक केज है और उस केज के बाहर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल कि इस केज के अंदर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है बीवेयर मिरर इनसाइड द केज और जब हम उस केज के अंदर जाते हैं तो वहां कोई एनिमल नहीं है एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है आप खुद ही इमेजिन कर लो जब आप मिरर में देखोगे तो आपको कौन नजर आएगा जो भी विजिटर उस केज के अंदर जाएगा लुक्स इज इमेज उसको अपनी ही इमेज दिखेगी इट मींस मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दिस अर्थ क्योंकि वही तो इस इतने सारे स्ट्रेपिंग uh, कर रहा है वही तो इतने सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है अदर क्रीचर्स आर नॉट डूइंग सो फिर उसके बाद कैसे डिस्टर्ब कर रहा है वो इसको By disturbing the four biological systems of the earth, हमारी अर्थ के चार बेसिक बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जैसे हमारे हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और हम पहले ही कह चुके हैं कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसका भी बायोलॉजिकल सिस्टम है और उसके सिस्टम में उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं फिशरीज मींस वाटर बॉडीज फॉरेस्ट्स ग्रास एंड क्रॉप ये सारी हमारी अर्थ के पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स अब इनको क्या हो रहा है फिशरीज आर कलेपसिंग एक तो वाटर पल्यूट हो रहा है और दूसरा डिक्रीज लेवल डिक्रीज हो रहा है सेकेंड फॉरेस्ट डिसअपेयर फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं क्या हो रहा है फॉरेस्ट को क्यों डिसअपियर हो रहे हैं हम ट्रीज कट कर रहे हैं फॉर आवर बेसिक नीड्स एज वेल एज टू बिग टू बिल्ड बिग बिल्डिंग्स बिग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इन सब काम ये कहाँ हो रहे हैं काम फॉरेस्ट में हो रहे हैं तो फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं ग्राड ग्रैड ग्रैड नी सॉरी ग्रास लैंड है ये ग्रास लैंड एंड क्रॉप वे, लैंड्स वेस्ट लैंड्स एंड डिटीरियोरेटिंग जो ये यहाँ पर जी आर एस डी होना चाहिए ऊपर जैसे एस डी है ना यहाँ पर भी एस डी ग्रास लैंडस और जो क्रॉप लैंडस हैं ना वो दोनों क्या बन गई हैं वेस्ट लैंड हो रही हैं मीन्स प्रोडक्टिविटी लैंड की कम हो रही है और डिटीरियोरेट हो रही क्वालिटी भी कम हो रही है तो ये सारा हमारी अर्थ की जो बॉडी है उसको कौन कौन सी डिसीजेज लग गई हैं एलिंग प्लानट था ना टाइटल तो ये सारा इसमें डिस्कस हो गया फिर आ जाएंगे हम आगे कि स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर पहले तो हम कर ही चुके हैं मैन इज द स्ट्रोंगेस्ट फैक्टर बिहाइंड इट पर क्यों कल्ला एक मैन नहीं ओवर पापुलेशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज मैन की पापुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है ही कॉन्ट हैल्प यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्स वो इनके बिना रह ही नहीं सकता पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा फ्यूल चाहिए ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चाहिए ज़्यादा अर्बेनाइजेशन चाहिए ज़्यादा हाउसेज चाहिए तो ये सब चीज़ें जब ज़्यादा ज़्यादा चाहिए तो कहाँ से आएंगी कहाँ से आएंगी? फॉरेस्ट एरिया ही तो कम होगा ना ग्रास लैंड ही तो कम होंगे ना ओवर यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इसको क्या कहते हैं कि हम इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं मीन्स उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे अनसस्टेनेबल डिवेलपमेंट और इसी ओवर यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं अनसस्टेनेबल डिवेलपमेंट फिर एक बेसिक बात जो इस आर्टिकल में और डिस्कस कर गई कि क्या निकल के कंक्लूजन क्या निकला कि बोरोड अर्थ फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन्स कि ये जो अर्थ है जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है दिस डज़ नॉट बिलोंग टू अस ओनली ये सिर्फ हमारी नहीं है हमने अर्थ को कमिंग जनरेशन्स मीन्स हमारे बच्चे बच्चों के बच्चे आगे आगे वाली जनरेशन से हमने बोरो किया हुआ ये उनकी भी है और रीज़न क्या है कि हम इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हमारे कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली इंडिया में वैसे तो ये ग्लोबल बात है पूरे वर्ल्ड की हो रही है पर यहाँ हम अपनी कंट्री की बात पे आते हैं कि लॉज तो बहुत सारे बने गए क्योंकि ये है कि अवेयरनेस तो आ चुकी हुई है कि द हेल्थ ऑफ़ द अर्थ इज़ डिक्लाइनिंग उसके लिए बहुत सारे लॉज़ भी बन चुके हुए हैं कि ताकि हम इसकी हेल्थ uh, को इम्प्रूव भी करें और और डिक्लाइन भी ना होने दें उसके लिए बहुत सारे लाज बन गए हैं बट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड का मीन हमने लाज की रिस्पेक्ट कैसे करनी है उसको इम्प्लीमेंट करके उसको फॉलो करके कानून तो बन गए लेकिन उन कानूनों को कोई फॉलो नहीं करता तो फिर बात तो वहीं की वहीं रह गई फिर क्रूशियल रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ये बात सोचनी है कि हमने डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन उस साथ साथ अपनी अर्थ के को भी सस्टेन करके रखना है रिसोर्सेज को भी सस्टेन करके कैसे रख सकते हैं तो उनको लिए उनको इसके लिए डिफरेंट मेशर्स लेने पड़ेंगे और द ग्लोब एज वन यूनिट और हमें यह देखना पड़ेगा कि ये पूरी अर्थ एक यूनिट है उस पर नो डाउट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज हैं डिफरेंट स्टेट्स हैं लेकिन अर्थ एक यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम सब की लाइफ का बेस है और अगर हम उसकी लाइफ का ध्यान नहीं रखेंगे जैसे सबसे पहले बिगनी में कहा कि हमारी फैमिली का जो हेड है जो रूट है अगर हम रूट का ध्यान नहीं रखेंगे तो वी कैन नॉट फ्लरिश अगर एक ट्री की रूट ही वीक हो गई तो ट्री की लाइफ ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती तो ये तो हो गई उसके सारे वैल्यू पॉइंट्स प्लस नोट्स और की टू एब्रीविएशन आपने भी जब नोट मेकिंग करनी है एग्जामिनेशंस में तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने उनको अंडर under, आपने अंडरलाइन चेक कर दो कलर नहीं है आपके पास आप उस वर्ड को पेन के साथ भी अंडरलाइन कर सकते हो ताकि क्लियर हो जाए कि दीज वर्ड्स आर हाईलाइटेड हाईलाइट हो गए हैं ना तो उनका नीचे देखें पहले कॉम्प्रोमाइजिंग आया था सी पी आर जी कॉम्प्रोमाइजिंग फिर रिसोर्सेज आर एस आर एस पहले भी आया यहाँ पर भी आया तो रिसोर्सेज डी एन जी डेंजरस फिर जी आर एस डी ग्रास लैंड तो ये सब हमने क्या बना लिए एब्रीविएशंस और उनकी की यहाँ नीचे दे दी अब इन सभी पॉइंट्स को जो मैंने बोला उसी के अकॉर्डिंग आपने एक रिटर्न समरी लिख लेनी है वो क्या होगा आपका ये चैप्टर की समरी भी बन जाएगी और साथ साथ हमारा सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग वो भी साथी हो जाएगा थैंक यू स्टूडेंट्स